हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम लोग लंकेश्वर वराडू मूवी के सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। और उस मूवी में कौन है? उस मूवी में है मेघा स्टार, चिरंजीवी सर, मोहन बाबू एंड राधा। सो गाइस, इस सॉन्ग का जो नाम है वो है पधरेला वयसु, एंड ये 1989 का मूवी है। माय गॉड, मेरे बर्थ से पहले का मूवी है। सो बहुत ही ज्यादा मतलब ओल्ड मूवी है। सो गाइस, इस सॉन्ग को जिन्होंने म्यूजिक दिया है उनका नाम राजकोटी है। सो गाइस, इस सॉन्ग को जिन्होंने गाया है उनका नाम क्या है? SP बाला सुब्रमण्यम और एस जानकी। सो गाइस, देनी करते हुए स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत पुराना मतलब आप समझ एक्साइटेड है हम लोग की ओल्ड सॉन्ग है, ऐसा होता है देखना। हाँ। है, बहुत इंटरेस्टेड है। और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो, राइट? वीडियो है, एंड ये जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है सो वो बोल रहे थे बहुत दिनों से हो गया कि रिक्वेस्ट अभी तक नहीं आ रहा, तो सबके रिक्वेस्ट हम लोग पूरे करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस, सबका रिक्वेस्ट पूरा हो जाएगा। सो गाइस, देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते। कितना पुराना सोचो ये सॉन्ग। ये राधा है। मैं तो 1989 का बात सोच के शॉक हो रही हूँ मैं। ओ, ये सोच रही थी। देखा कहां से कहां आया अभी। ओ
मशरूम के ऊपर भी पूरा मशरूम कॉन्सेप्ट सजाया है। वो मतलब वो स्टेज से आई थी। सो गाइस हम लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है और गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था। मुझे मैं इतना एंजॉय कर रही थी, जब मैं लेटेस्ट सॉन्ग में भी इतना एंजॉय नहीं करती, मैं सिर्फ सोची करती तब कैसा होता था। म्यूजिक बहुत बढ़िया था, मतलब ऐसा जब सुन रहा था ना मुझे लग रहा था गुदगुदी हो रहा है। सो गाइस जब मैं गाना सुन रहा था पटकू पटकू कुछ लाइन था तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुदगुदी हो रहा था, पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा गुदगुदी हो रहा था। मुझे इतना मजा आ रहा था ना सच में, मजा था। अरे चिरंजीवी सर उस टाइम में क्या अच्छा डांस करते थे, मतलब पापा इतना डांस करते हैं तो बेटा कैसा डांस करेगा। तो तुम देखो पूरा फैमिली डांसर है उस समय, जो वो पैर जो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लैट होके बैठना, नहीं पता मैं डांसर तो नहीं, वैसे वैसे बैठना, उसके बाद जो स्टेप्स हो रहा था वो इवोल्यूशन होके तो आ जाया ना। 1989 में सर का वो सारा स्टेप, मतलब हैट्स ऑफ उस टाइम पे इतना करना ही, मतलब तब तो कुछ ये सब तो ट्रेंड ही नहीं था। चिरंजीवी सर को तो पूरा इंडिया जानता है कि वो कितने बड़े लेजेंड है। 1989 में तब उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, तो सोचो वहां से आज हम लोग कितने साल के बाद, तो मतलब अभी भी हम लोग को मजा आ रहा है वो करने में। वो वहां से उठ के मतलब कितना एवोल्यूशन हुआ होगा, ये भी सोचने में कितना चेंज हुआ ना हम लोग। ये पूरा सराउंडिंग, पूरा स्टूडियो, पूरा इंडस्ट्री कितना चेंज हो गया, बहुत एवोल्यूशन हो गया है। और जो गाना है उस टाइम का, जो मतलब उस टाइम में जो सुनते थे, यंग थे मतलब हम लोग के जैसे एज था, उन लोगों को तो बहुत मजा आता होगा उस टाइम पे ये गाना सुन के। मुझे ऐसे डांस करने का मुझे पूरा डांस करने का मन कर रहा था, पर मैं बाहर कैमरे के बाहर चले जाऊंगी। लेकिन सच में थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी मतलब हम लोग को रिक्वेस्ट किया, थोड़ा लेट हुआ लेकिन सुपर रिक्वेस्ट था, हमने सच में बहुत इंजॉय किया। गाना का मतलब हम लोग को नहीं पता चला, तो गाने का मतलब प्लीज कमेंट। लेकिन जो ऑल ओवर था उसके साथ चिरंजीवी सर का परफॉर्मेंस, ओ माय गॉड क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस था। और जो राधा था, राधा शायद वो लड़की थी कि नहीं मुझे राधा पता था, नहीं राधा थी, सॉरी सॉरी, जो राधा मैम थी, तो वो जो बैठी हुई थी वही राधा मैम थी कि वो जो डांस कर रही थी वो थी, पता नहीं मुझे। ठीक है एक्चुअली सो अगर कुछ गलती हो गया तो पहले से सॉरी हम लोग बोल देते हैं, राइट? क्योंकि वो राधा मैम नहीं थी, वो कोई और थी, हम लोग राधा मैम सोच के वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं, वो बाद में जो डांट पड़ती है कि। सो गाइस हम लोगों को वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, ऐसे ही और भी ओल्ड वीडियो सजेस्ट कीजिए, ओल्ड वीडियो रिएक्ट करने में और मजा लगता है, राइट? सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने जो बेल आइकन उसको दबाना मत भूलना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन इतना मजेदार वीडियो सजेस्ट करने के लिए। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।